अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। लेकिन आज हम पबजी का गेम प्ले नहीं करेंगे, बल्कि आज हम एक चीज़ को देखेंगे जो कि है FPS। जब से हमने अपडेट की है अपनी 1.1 और हमारे जो FPS हैं वो बिल्कुल 60 से ऊपर तो जा ही नहीं रहे, 58, 57, मैक्सिमम 59 इधर आके रुक गए हैं। हालांकि हमारा जो एमुलेटर है वो 90 FPS पे एक्टिव होता है, लेकिन फिर भी हमें FPS नहीं मिल रहे होते। तो इसको फिक्स कैसे किया जाए, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी मैं पहले आपको FPS दिखा देता हूँ अपने। मैं इस वक्त 58 FPS आ रहे हैं मेरे, और मैं आपको अपनी सेटिंग्स भी दिखा देता हूँ। मैंने एक्सट्रीम और HDR पर रखी हुई है कलरफुल, जो मैं यूज़ करता हूँ लॉबी में भी और कॉम्बैट में भी। तो सबसे पहले तो हम इसको करेंगे गेम को बैक, और आपने करना क्या है, F9 प्रेस करना है और ब्राउज़र से जाके आपने ये ES फाइल एक्सप्लोरर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और ये आपने डाउनलोड करना है APK फाइल, m.apk फाइल वाली वेबसाइट से, ठीक है। तो इसको डाउनलोड कर लेना है आपने, और फिर आपने, मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से जाके आपने एक्टिव फाइल डाउनलोड करनी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, वेट, ये नहीं है, या ये लिंक है जो मैं आपको दूंगा, और आपने ये फाइल जो है एक्टिव वाली डाउनलोड कर लेनी है। और इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है यहाँ पे, और ये इस वक्त मेरे पास ये पड़ी है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। तो अब जहाँ पे आपकी गेम इंस्टॉल है, लेट मी चेक कि मेरी गेम कहाँ पे इंस्टॉल है। तो ये आप अपनी डायग्नोसिस में चेक कर सकते हैं। ई टेम्प में जाना है हमने, ठीक है, ई और टेम्प में। तो हम चले जाएँगे यहाँ पर फाइल्स में, ई ड्राइव में, और फिर हम जाएंगे यहाँ से टेम्प में, और अपने टेंसेंट में, टेंसेंट से आगे हमने कहाँ जाना है मुझे दोबारा देखना पड़ेगा, मोबाइल गेम्स। इस फोल्डर में आने के बाद आपने कर देना है यहाँ पे जो आपने कॉपी किया हुआ एक्टिव वाली फाइल को, उसको आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपने इस फोल्डर को कर देना है क्लोज, और फिर हमने जाना है यहाँ पे अपनी ES फाइल एक्सप्लोरर पे। इसके ओपन होने के बाद आपने यहाँ से जाना है इंटरनल स्टोरेज में, ठीक है, मैं यहाँ से बड़ा कर लेता हूँ। और फिर आपने यहाँ से स्लैश के ऊपर क्लिक करना है, फिर आपने डाटा के ऊपर जाना है, और फिर आपने फाइंड करना है फोल्डर शेयर वन को, फिर और यहाँ पे आपने कर देना है इसको, इसके ऊपर राइट क्लिक किए रखना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपने इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से। कॉपी करने के बाद आप फुल बैक जाएंगे, इंटरनल स्टोरेज में यहाँ से जाएंगे हम, फिर एंड्रॉयड में जाएंगे, डाटा में जाएंगे, डाटा के बाद हम जाएंगे टेंसेंट पे, और टेंसेंट में हम फाइल्स पे जाएंगे, फाइल्स में हम UE4 गेम पे जाएंगे, शेडो को ओपन करेंगे, फिर शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा को ओपन करेंगे। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे ओपन करना है सेव्ड वाला फोल्डर, और सेव्ड वाले फोल्डर के बाद हमने ओपन करना है सेव गेम्स। सेव गेम्स को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे ओवरराइट कर देना है। ये हमारे यहाँ पे ओवरराइट हो चुका है। अब हमने करना है इसको बैक, फुल बैक करने के बाद अब हम अपनी गेम रन करेंगे और देखते हैं कि क्या हमारे FPS जो हैं वो फिक्स हुए हैं कि नहीं। फिलहाल मुझे 16 FPS दिख रहे हैं, और लेट्स सी, ओके, 72, 83, 68, 84 आपको FPS दिख रहे होंगे यूजली स्क्रीन के ऊपर। तो अगर आपको अब वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और आई होप कि आपके भी FPS फिक्स हो गए होंगे। सो कीप एंजॉय।